बुलंदशहर में ट्रैक्टर लूट की घटना में फरार चल रहे अजय उर्फ कालीवा लाला नाम के बदमाशों से थाना रामघाट पुलिस की मुठभेड़ में एक बदमाश घायल अवस्था में अपने एक अन्य साथी के साथ गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, मोबाइल व एक प्लेटिना बाइक, ट्रैक्टर की चाबी बरामद। मुठभेड़ में गिरफ्तार किए गए बदमाशों का लंबा है आपराधिक इतिहास। दोनों पर आधा दर्जन से अधिक दर्ज है मुकदमे। थाना रामघाट पुलिस टीम व स्वाट टीम की देहात नहर पुल रामघाट के पास हुई बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर के निर्देशन के क्रम में अपराध तथा अपराधियों पर अंकुश लगाने के क्रम में थाना रामघाट पुलिस द्वारा SSI के नेतृत्व में थाना पुल रामघाट पे जो है चेकिंग की जा रही थी, जिसमें एक जो है व्यक्ति जो है एक गाड़ी से दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई पड़े, जिसको पुलिस ने रुकने का इशारा किया। पुलिस का इशारा जैसे उनको किया, उन्होंने गाड़ी ना रोककर जो है नहर की पटरी के पुल की तरफ से जो है जंगलों में भागने लगे और पुलिस ने उनका पीछा किया। अपने को घिरते देखते हुए उसमें से एक जो है बदमाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करते हुए जो है फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति को बाएं पैर में जो है पिंडलियों के नीचे गोली लगी है और दूसरा व्यक्ति वहां से फरार हो गया। पुलिस द्वारा जो है काम्बिंग करके जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। जो है जो घायल व्यक्ति था उसने अपना नाम अजय बताया है तथा दूसरे ने अपना नाम जो है लाल सिंह बताया। दोनों जो है जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं और इनसे जब थोड़ा सा और पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि पूर्व में मैंने रामघाट में जो है जो ट्रैक्टर लूट की थी हम ही दोनों लोगों के द्वारा कार्य की गई थी। इनको जो है जो अजय है जो घायल था उसको जो है CSC DY भेजी गई है। अजय के पास से एक प्लेटना बिना नंबर की मोटरसाइकिल जो है तथा एक मोबाइल तथा एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस मिला हुआ है तथा जो है दूसरे व्यक्ति जो लाल सिंह है उसके पास से एक चाबी मिली है, जो उसने बताया कि उसी ट्रैक्टर की चाबी है जो हमने जो है चोरी किया था ट्रैक्टर। तो इस संबंध में और भी जानकारियां की जा रही हैं और जो है घायल को जो है CSC इलाज भेजा गया है। साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।